हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, प्लस वन का टॉपिक है ये प्लांट एनाटॉमी। तो उसके अंदर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो नाइन्थ क्लास के अंदर भी आता है और इलेवंथ के अंदर भी। द वस्कुलर बंडल दैट प्रेजेंट इन द इनसाइड द स्टील, ठीक है, इन द स्टील फॉर्म ऑफ वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं इन साइड द स्टील, मतलब जो स्टेम का स्टेम होता है उसके अंदर की जो पोजिशन होती है वहां पे प्रेजेंट, उसको क्या बोला जाता है, स्टेल बोला जाता है। ठीक है, स्टेल इज डिफाइंड एज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेन विच वस्कुलर बंडल, मतलब उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, वस्कुलर बंडल, पिथ, मेडुलरी एंड सराउंडेड बाय द पेरिसाइकल, जो इनर मोस्ट जो पार्ट होता है स्टेम का उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल, पिथ, मेडुलरी रे और सराउंडेड बाय द पेरिसाइकल। ठीक है, अब वस्कुलर जो सिस्टम होता है किस रिलेटेड होता है, कंडक्शन से। ठीक है, कनेक्शन करता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का, करता है मिनरल्स और फूड का। ठीक है, एज कैसे एक दूसरी जगह तो कंडक्शन करने में हेल्प करता है। इसके जो पार्ट होंगे कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम वस्कुलर सिस्टम है, बेस और डेवलपमेंट अगर डिफाइन करने चाहें तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, जो प्रोटोजाइलम होता है स्मॉल, डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ठीक है, स्मॉल होता है, डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम एंड लिग्निफिकेशन इज स्पाइरल एंड एनुअल फॉर्म, मतलब स्पाइरल फॉर्म में होगा, एनुलर होता है और स्कैली फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब एनुअली इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। मेटाजाइलम फर्दर डेवलपमेंट होती है प्रोटोजाइलम के बाद, लार्ज साइज होगा, लैटरल फॉर्म, डेवलपमेंट आफ्टर प्रोटोजाइलम एलिमेंट आर फॉर्म, मतलब प्रोटोजाइलम जब बन जाएगा उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टेज आएगी उस केस में क्या बनेगा हमारा, मेटाजाइलम। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम, तो बेस्ड ऑन द पोजिशन की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, एंडार्क, एग्जार्क, मीचार्क। ठीक है, ये पोजिशन है प्रोटोजाइलम के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब जब सेंटर के अंदर, जैसे स्टेम है, स्टेम के साइड जो सेंट्री तरफ जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंडार्क बोलेंगे। ठीक है, प्रोटोजाइलम किसके व्यापे है सारा, प्रोटोजाइलम के ऊपर। जैसे मान लो वस्कुलर सिस्टम हमारा, तो वस्कुलर सिस्टम के अंदर ये हमारा क्या है, जाइलम है। ठीक है, ये कैम्बियम हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, फ्लोएम। तो जो ये वाला जो पोर्शन है तो मतलब इनर साइड है, इनर साइड ऑफ स्टेम, तो क्या हो गया, एंडार्क। और ये क्या चीज़ है हमारी यहाँ पे, प्रोटोजाइलम। ये बात जरूर ध्यान देनी है, व्याप ऑफ प्रोटोजाइलम है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, ठीक है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा तब क्या होगा, एग्जार्क होगा। और बीच में प्रेजेंट होगा दोनों टाइप का ऐसा हो, प्रोटोजाइल मेटाजाइलम हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे उसे, मीजार्क। क्लियर। अब इनके बाद आता है हमारा कौन सा सिस्टम, जैसे वस्कुलर सिस्टम अभी पढ़ाया हमें जाइलम, तो इसके बाद आएगा फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम जैसे जाइलम कनेक्शन क्या करता है, वाटर एंड मिनरल का करता है, तो प्रोटोप्लाज्म, तो क्या है, फाइलम, प्रोटोफाइलम। ठीक है, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं फाइलम टिश्यू, जो प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर प्रेजेंट हो गए हमारे, तो स्टार्टिंग जो पोर्शन होगा। ठीक है, तो प्रोटोफाइलम या हम फाइलम बोलेंगे। तो फाइलम के बेस ऑफ पोजिशन जैसे प्रोटोजाइलम था, मेटाजाइलम था, ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोले उसे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और मेटाप्लाज्म, और एक किसकी बात चल रही है, फाइलम। जैसे जाइलम है वैसे फाइलम की बात चल रही है। फाइलम क्या करेगा, ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। किसको ट्रांसफर करता है, फूड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटोजाइलम की अगर बात करते हैं, तो प्रोटोजाइलम किस, मतलब जो प्रोटोफाइलम, सॉरी प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो क्या है, सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब इसमें कैसी होंगी, स्मॉल होंगी। सीव ट्यूब कैसी होगी, स्मॉल होंगी एंड नैरो। ठीक है, एंड नैरो। फिर इसकी, इसके अगर देखा जाए तो इसके पास जो कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी नैरो कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, नैरो कैविटी विद लेस डायमीटर। ठीक है, सीव ट्यूब स्मॉल होंगी एंड नैरो कैविटी प्रेजेंट होगी विद स्मॉल डायमीटर। ठीक है, ऐसे जैसे प्रोटोजाइलम के बाद मेटाजाइलम आ रहा था, ऐसे प्रोटोजाइलम के बाद क्या आ गया, मेटाप्लाज्म, फर्दर डेवलपमेंट के बाद बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सीव ट्यूब कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी और क्या होंगी, वाइड कैविटी प्रेजेंट होगी विद लार्ज डायमीटर।
ठीक है, लास्ट डायमीटर के साथ हमारे क्या पास प्रेजेंट होंगे, मेटाप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगेन के अंदर पोजिशन की बात करें तो पोजिशन दोनों के पास सेम ही होगा, एंडार्क, एक्सार्क और मेजार्क, ठीक है। अब इनकी पोजिशन व्यापिंग का क्लासिफिकेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे।